काम से जब भी फुर्सत मिलता था बेटे के साथ क्रिकेट खेलने में लग जाता था। कस के बैट पकड़ के और एक जोरदार छक्का सीधे मैदान के बाहर। पर वो सब मेरे कल की बात है। मैं आनंद सोरेन आरएमएम डिपार्टमेंट के ट्रैफिक सेक्शन में कभी काम करता था। उस दिन मैं रोज की तरह फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि थोड़ी ही देर में एक भयानक हादसा घटने वाला था मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ। उस हादसे वाले दिन मैं लोगों के काम में लगा हुआ था। जनवरी मंथ था, हम यार्ड में काम कर रहे थे लोगों के साथ। हमको कुछ वैगन का सेंटिंग करना था, मैं वही कर रहा था। जिस साइड में मैं काम कर रहा था उसमें कपलर लगा नहीं था। लोगों को कुछ दूर में गैप करके मैं अंदर जाके हाथ से कपलर को पुश कर रहा था। मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि उधर से भी सेम लाइन में कोई इंजन आ रही है। यार्ड मास्टर को भी मैं सामने काम करते हुए दिखा नहीं। उन लोग को भी मालूम नहीं था कि इधर में कोई इंजन काम कर रहा। उन्होंने बस वही लाइन में दूसरी साइड से इंजन चालू कर दिया। लोको ड्राइवर को जोर से आवाज दिया। गार्ड और उसके साथी भी दौड़कर आए। लोगों को बैक करने के बाद ही मैं अपना हाथ निकाल पाया और उन लोगों की मदद से मुझे अस्पताल लाया गया। ऑपरेशन के बाद एक महीना तक हाथ ठीक था। डॉक्टर ने उसको माइक्रो सर्जरी करके जोड़ दिया था। मेरा उंगली खेलने भी लगा था। एक महीने के बाद इन्फेक्शन से ऐसे कुछ ये हुआ कि जो नस बना के निकाला वो एक नस फट गया। और फिर जो दोबारा ऑपरेशन हुआ वो सक्सेस उतना नहीं हुआ। एक्चुअल मेरा हाथ यहाँ से कटा था। जब उंगली सूखने लगी तो यहाँ से पूरा उन लोगों ने निकाल दिया। अब तो मेरे पास कोई उंगली आ रही नहीं है, ये भी इसको लॉक कर दिया गया। तो ये चीज़ अब इससे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हमको ऐसे आर्टिफिशियल एक टू ये जस्ट आउट लुकिंग है। अब यही मेरी जिंदगी है, इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। इस हाथ से कुछ काम नहीं कर पाता, सिर्फ सपोर्ट रहता है। छोटे मोटे काम के लिए भी सहारा लेना पड़ता है। हम लोग सोचे कि जरूर कुछ हुआ होगा। फिर वो लोग गए हॉस्पिटल, आईसीयू में रखा हुआ था। फिर देखे ओके, उसमें बच्चा तो मेरा छोटा ही था। उसके बाद हम देखे, उसके बाद हम आए। फिर माँ घर में बच्चा को छोड़ के जाती थी देखने। 6 महीना हॉस्पिटल में थे। हम सोचे कि क्या पता सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर चलिए ईश्वर की दया से कुछ जॉब मिल गया तो हमें भी खुशी लगा। चलिए हम किसी के सहारे जी तो सकते हैं ना। मेरा जो हाल आज आप देख रहे हैं वो सिर्फ मेरे खराब नसीब नहीं बल्कि मेरी लापरवाही की वजह से है। जिंदगी ने जो मुझसे छीना उसका अधूरापन कभी कभी बहुत खलता है। मेरे साथ जो हादसा हुआ इसमें मेरा भाग ही दोष नहीं बल्कि किसी न किसी की लापरवाही भी थी। इसलिए मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूँ, अपना जो सेफ्टी हम लोग का आइटम है पीपी हेलमेट या जैकेट, इसका हम लोग प्रॉपरली यूज करें। इससे हम लोग दुर्घटना को बचा सकते हैं चाहे कम कर सकते हैं।
पर मुझे अब भी कुछ लौटाना है जिंदगी को। मैं और मेरा परिवार जिस हादसे से गुजरे हैं, भगवान करे वो मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। लापरवाही कभी ना बरतें। मुझे देखकर अगर आप सही सेफ्टी मेजर्स अपना लें, वही मेरी जिंदगी के अधूरेपन को कुछ हद तक पूरा कर सकता है।